बदलते दौर में हमने सरकार चलाने में, सरकार केवल डंडा पार्टी के लिए नहीं होती, केवल कानून व्यवस्था के लिए नहीं होती। कानून व्यवस्था तो होगी और होना भी चाहिए। कानून के अंदर वो ताकत है जिसके भरोसे लोकतंत्र जिंदा होता है, जिंदा रहता है। कानून की निगाह में बड़ा छोटा ऊंचा नीचा सब बराबर, और इस आधार पर कानून तो रहेगा, लेकिन कानून के बावजूद कानून के साथ सरकार पे हक, सरकार के अंदर सबसे पहला हक चार प्रकार के लोगों का है। सबसे नंबर वन गरीब का है, पहला हक अपना। गरीब के लिए हमारी सरकार काम करेगी, उसके जीवन में खुशहाली आना चाहिए। दूसरा हमारा कदम रहेगा युवा वर्ग के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए। मुझे आज इस बात को कहते हुए आनंद है, आज ही मैंने यहाँ आने के पहले हाई कोर्ट के मामले में इंजीनियरिंग के सेक्शन में एक छूट मिली कि हमारे बीच ओबीसी वर्ग का आरक्षण जो हमको 27% देना था, कानून के कारण, कोर्ट के कारण पहले हमने 14% का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है बचा हुआ 13% आज ही रिलीज करके मैं आ रहा हूं आपने यहाँ के प्रदेश के युवाओं के लिए। यह हमारा दूसरा वादा पूरा होता है, धीरे धीरे करके हर वर्ग के लिए। ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि हम सब वर्गों का ध्यान रखेंगे, इसलिए एससी एसटी ओबीसी इनके अलावा भी 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण भी हमारी सरकार ने दिया है। वो कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो, अगर गरीब वर्ग के हैं तो सबको साथ लेके चलने के लिए जो मोदी जी के घोषित वाक्य है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, और ये सब कब मुमकिन है? क्योंकि मोदी है तो, जोर से बोलो, मोदी है तो। तीसरा हमारा वर्ग है किसानों का वर्ग। किसानों की बेहतरी के लिए लगातार हमारा अपने सारे खजाने का हक किसान और महिलाओं के लिए भी है। ये चारों प्रकार के वर्गों को लेकर के चलने की हमारी जवाबदारी है।